नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। विश्व युवा कौशल दिवस पर योगी सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। युवाओं के लिए प्रदेश सरकार हमेशा से ही आगे रही है। आखिर क्यों ना हो, मोदी सरकार का ही नहीं बल्कि योगी सरकार का भी ये सपना है आत्मनिर्भर भारत। आइए देखते हैं आखिर क्या बड़ा तोहफा है योगी सरकार का देश के नौजवानों के लिए। काम की तलाश में गांव से बाहर जाने वाले युवाओं के लिए योगी सरकार खास कदम उठाई। सरकार उनके लिए गांव में ही काम की व्यवस्था करने की योजना बना रही है। यूपी के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने, युवाओं को अवसर देने और मजदूरों का पलायन रोकने के लिए गांव स्तर पर औद्योगिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। सिद्धार्थनाथ सिंह ने ऑनलाइन आयोजित किए गए नए एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आत्मनिर्भर गांव का सपना पूरा करने के दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा माइक्रो इकोनॉमी की अवधारणा के अनुरूप गाँव में औद्योगिक गतिविधियाँ शुरू करने का है। इसके गाँव स्तर पर ही उद्योग लगाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये योजना पहली बार प्रयागराज जिले में शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि गांव स्तर पर औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने से युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलेंगे और उनकी प्रतिभा का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से मजदूरों का पलायन भी रोका जा सकेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार की यह योजना एक जिला एक उत्पाद की योजना के अनुरूप है। सरकार ने जिलों में उनके विशेष उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं शुरू की हैं। इससे इन जिलों के उत्पादों को विदेशों में भी बाजार मिला है। उन्होंने सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल का उल्लेख करते हुए कहा कि जापान और सिंगापुर में इसकी विशेष मांग है। इसी तरह से अन्य जिलों के उत्पादों को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि राज्य में स्थानीय स्तर पर उद्योग धंधे शुरू हो गए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान इन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान 40 लाख मजदूर राज्य में वापस आए थे, लेकिन दूसरी लहर में केवल 4 लाख मजदूर वापस आए। इससे साफ है कि मजदूरों को उत्तर प्रदेश में ही काम मिला और वह दूसरे प्रदेशों में काम की तलाश में नहीं गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से प्रवासी मजदूर से संपर्क किया है और उनके कौशल के अनुरूप की उन्हें उद्योग धंधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके लिए उन्हें विशेष ऋण उपलब्ध कराया गया है। सरकार ऐसे उद्योग धंधों को वित्त, कौशल और विपणन की सुविधा उपलब्ध कराती है। गांव से बाहर जाने वाले युवाओं को दर बदर भटकना पड़ता है, इसलिए ये खास कदम उठाए गए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर भी एक अहम कदम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुँचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी